तेलंगाना में मुस्लिम व्यक्ति की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मेटक जिले का है। वीडियो में कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ भीड़ में प्रेग्नेंट बहन और माँ भी नजर आ रही है, जो भीड़ से उसे बचाने की जद्दोजहद और कोशिश कर रही है, लेकिन नारेबाजी ना ही रुक रही है और ना ही पिटाई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये वीडियो 7 मई का है। पीड़ित व्यक्ति का नाम इमरान अहमद बताया जा रहा है। नसरापुर इलाके में उसका एक होटल है। 7 मई को उसका गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। इसी बात पर दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों की भीड़ इमरान के घर पहुंच जाती है और उसे खींचकर सड़क पर ले आकर सरेआम पिटाई करती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है। नसरापुर पुलिस ने 26 मई को अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द क्विंट को बताया कि इमरान की बहन आयशा ने कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसे बाद में ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि बच्चे की मौत भीड़ में पिटाई के दौरान किसी तरह चोट आने से हुई है। पुलिस ने ये भी कहा कि इमरान के परिवार ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। उनका कहना है कि जब परिवार वाले शिकायत दर्ज कराएंगे तो पुलिस जांच करेगी। नरसापुर के सर्किल इंस्पेक्टर ने कहा, इमरान की बहन ने 13 मई को बच्चे को जन्म दिया था। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। इसके पीछे की कारण की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक नरसापुर पुलिस ने इमरान के खिलाफ IPC की धारा 295 यानी धर्म का अपमान के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं 10 से 15 लोगों के खिलाफ अलग अलग विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज करी गई है। हालांकि पुलिस ने सिर्फ इमरान को हिरासत में लिया, बाकी सभी को नोटिस देकर जाने दिया। MIM के विधायक कौसर मोहिदुद्दीन ने इस घटना पर कहा कि पार्टी अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने मेटक SP से बात की है। SP ने आश्वासन दिया है कि अगर आयशा और उनके परिवार के सदस्य केस दर्ज करवाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मीडिया के जरिए लोगों से अपील करता हूं कि घटना की झूठी वायरल वीडियो ना फैलाएं। वहीं तेलंगाना के एक राजनीतिक दल मजलिस बचाओ तहरीक ने मामले में हाई कोर्ट जज से न्यायिक जांच की मांग की है। मजलिस के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने इस घटना का आरोप BJP कार्यकर्ताओं पर लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि BJP के पार्षद राजेंद्र यादव ने 50 लोगों के साथ मिलकर इमरान के साथ मारपीट की है। उन्होंने मेटक SP को सस्पेंड करने और BJP पार्षद को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। जय जय राम 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 जय जय राम